किस बात के बारे में खोली। सफाई कर्मचारी है ये तो मुझे पता था, सफाई कर्मचारियों के साथ बदसलूकी होती है ये तो मुझे पता था, सफाई कर्मचारियों को न्याय नहीं मिलता ये भी मुझे पता था, लेकिन आपने बहुत बड़ी चीज के बारे में मेरी आंख खोली, और वो ये कि ये जो आधुनिक भारत है, ये जो शहरों का भारत है, ये अपने आप को मॉडर्न कहने वाला जो भारत है, इसकी आत्मा में, इसके मन में, इसके दिल में आज भी जाति व्यवस्था का जहर है ना। अगर आपको लगता है, आप सब साथियों से मैं कहता हूं, अगर आपको कभी भी किसी भी स्टेज पे जाति व्यवस्था का जहर झेलना पड़ा हो तो जरा हाथ उठा के बताना कि हाँ है। मैं चाहता हूं हमारे मीडिया वाले साथी भी देखें, सब लोग देखें कि ये जाति व्यवस्था कोई 500,000 साल की पहले की चीज नहीं है, वो आज मौजूद है। और इसलिए कल जब प्रधानमंत्री जी ने 5 सफाई कर्मियों के पांव धोए तो मेरे मन में आया, प्रधानमंत्री जी आप इनके पांव क्यों धो रहे हो, आप अपने मन का मैल धो लेते तो सबसे अच्छा होता। इस देश के बड़ी बड़ी कुर्सी वालों के मन में मैल है जाति का, इस देश की संवैधानिक सत्ता पे बैठने वाले लोगों के मन में जाति का मैल है, इस देश की पूरी राजनीति में जाति का मैल है, और इस समाज के मन में भी जाति का मैल है। उस मैल की सफाई करनी है, और सबसे बड़ी इस देश की सफाई, प्रधानमंत्री जी आपने स्वच्छता अभियान चलाया, जब प्रधानमंत्री जी ने लाल किले से स्वच्छता अभियान की बात की मैंने उसका समर्थन किया, मैंने सोचा चलो कोई प्रधानमंत्री लाल किले से खड़ा होकर सफाई की बात कर रहा है, अच्छी बात है, लेकिन मैंने सोचा था 3 बातें होंगी उसमें। पहला तो मैंने सोचा था कि ये देश हर जगह पे गंदा रहता है, तो हो सकता है इस देश के सारे लोग खुद महसूस करें कि चल भाई सफाई करना मेरा भी काम है, थोड़ा सा तो सफाई कर ले, हर गांव हमारा गंदा है, हर शहर गंदा है, हर बस्ती गंदी है, हर पार्क हमारा गंदा है, तो मैंने सोचा था थोड़ी सफाई हो जाएगी। दूसरा मैंने सोचा था कि स्वच्छता अभियान चलेगा तो इस देश की आंख खुल जाएगी कि भाई स्वच्छता इस देश में कौन कर रहा है, सफाई कर्मचारी की क्या हालत है, थोड़ा सा देश खुल जाएगा। स्वच्छता अभियान के नाम पे 500,000 करोड़ रुपया खर्च करेंगे तो हो सकता है कोई 100 करोड़ रुपया हमारे सफाई कर्मचारियों के हाथ में भी आ जाए, लालच सा मेरे मन में, मैंने कहा चलो अच्छी बात है। और तीसरा मैंने सोचा था स्वच्छता अभियान होगा तो इस देश की आत्मा में जो मैल है, सफाई कर्मचारी के खिलाफ मैल है, ये जो पढ़े लिखे लोग बड़ी अच्छी अच्छी बातें करते हैं लेकिन सफाई कर्मचारी को देख लें तो वो वही वाली गाली निकालते हैं जो उनका बाप निकाला करता था, जो उनका दादा जो भाषा बोला करता था वही भाषा बोलते हैं, सच बात है ना। तो ये सब पढ़ाई लिखाई बेकार है, जैसे ही कोई सफाई कर्मचारी सामने आता है उनके मुंह से वही भाषा निकलती है। तो मैंने सोचा था कि स्वच्छता अभियान से थोड़ा सा इस पर भी फर्क पड़ जाएगा, लेकिन आज 5 साल बीत गए, स्वच्छता अभियान लॉन्च हो गया, उसके बाद कुछ नहीं हुआ। मेरे एक दोस्त है अनुपम, वो कहते हैं कि इस सरकार में 2 ही चीजें होती हैं, या तो लॉन्चिंग होती है या फिर लिंचिंग होती है, और कुछ नहीं होता। लॉन्चिंग हो गई बस काम खत्म हो गया, उसके बाद क्या फर्क पड़ता है। 5 साल हो गए, आप बताओ 5 साल में ये देश साफ हुआ, मैं तो गांव गांव जाके देखता हूं वैसा ही गंदा है देश जैसे पहले था, चलो कोई बात नहीं। क्या 5 साल में इस देश के सफाई कर्मचारी की स्थिति 1 पैसा भी बेहतर हुई पहले से, आप हाथ खड़ा करके बताओ 5 साल में सफाई कर्मचारी की स्थिति बेहतर हुई, नहीं हुई।
और क्या 5 साल में इस देश के मन में जो जाति का मैल है वो खत्म हुआ? नहीं हुआ। तो क्या फायदा इस स्वच्छता अभियान का, क्या फायदा इस ढोंग का? प्रधानमंत्री जी, ये पांव धोना बंद करो। अब हम पांव पे खड़े हो गए, अब आप हम आपको धोके दिखाएंगे। दो महीने में मौका आ रहा है, 100 सुनार की और 1 लोहार की। अब 2 महीने में मौका आ रहा है। प्रधानमंत्री जी, आप ये लोटा लेके धोना बंद करो। अब देश की जनता आपको धो के दिखाएगी और आपको बताएगी धोने का मतलब क्या है। कल प्रधानमंत्री जी ने मन की बात कही। मैं कई बार प्रधानमंत्री जी से कहता हूं, भाई आप मन की बात कहने के बाद थोड़ा मन की बात सुन भी लिया करो। ये इस देश की जनता की मन की बात तो सुन लो। कल मन की बात बोली, मैंने सोचा हो सकता है शिविर वाले की 2 बात वहां बोल दे, हो सकता है सफाई कर्मचारी के बारे में कोई बात बोल दे, नहीं बोली। 5 साल में एक भी बार सीवर के कर्मचारी की दशा पे प्रधानमंत्री नहीं बोले, तो ये उनके मन में सीवर कर्मचारी के लिए कोई जगह नहीं है। स्वच्छता की बात हुई, सफाई कर्मचारी की बात नहीं बोली। अगर ईमानदारी से बोलते तो क्या बात बोलनी चाहिए थी, वो 4 मुद्दे मैं आपके सामने रखता हूं। प्रधानमंत्री जी, अगर आप हमारे मन की बात सुनते तो 4 बात आप करते। पहली बात, इस देश में इंसान सीवर में क्यों उतरता है, इसका जवाब दो। क्या हिंदुस्तान दुनिया का एक देश है जिसमें सीवर है? इंग्लैंड अमेरिका में सीवर नहीं है क्या? भाई साहब ने बताया हमारे, ये कनाडा गए जाके देख के आए, सीवर तो दुनिया भर में है, इंसान सीवर में हिंदुस्तान में क्यों उतरता है, इसका जवाब दो आप। तमाम फैसले हो गए, सुप्रीम कोर्ट में केस हो गया, सरकारों ने तमाम झूठ बोल के देख लिया, कोर्ट का जजमेंट भी आ गया, आज भी कोई असर नहीं है। आज भी सीवर में लोग उतर रहे हैं। पिछले साल एक और संस्था ने गिनती की, क्योंकि मैं बार बार कहता रहता हूं कि भाई गिनती करो, गिनती करो। पिछले साल एक संस्था ने गिनती की, 105 हत्याओं का रिकॉर्ड बनाया। ये सिर्फ 105 लोग वो नहीं थे जो सीवर में डूबे, डूबे तो बहुत ज्यादा होंगे, मरे तो बहुत ज्यादा होंगे, लेकिन 105 का उन्होंने नाम, पता, फोटो, परिवार से बात, उसकी चिट्ठी पत्री, अखबार की खबर, कानूनी कागज सारे लगाए 105 लोगों के सन 2018 में सीवर में जाने से मौत हुई, इसका कानूनी प्रमाण दे दिया। मौत तो 500 की हुई होगी। इस देश में कोई एक दिन नहीं बीतता जबकि सीवर में कोई ना मरे, पर 108 का तो प्रमाण आ गया था। उसके बाद कितनों को मुआवजा मिला? सुप्रीम कोर्ट का आदेश है इस देश में, छोटे मोटे कोर्ट का नहीं, सुप्रीम कोर्ट का आदेश है कि 10 लाख रुपया मुआवजा मिलना चाहिए। बच्चों को जिंदगी भर शिक्षा मिलनी चाहिए, परिवार में किसी को रोजगार मिलना चाहिए। 108 लोग पिछले साल शहीद हो गए, उनमें से 10 लोगों को भी मुआवजा नहीं मिला। ये आज की बात बता रहा हूं, पुरानी बात नहीं बता रहा। तो प्रधानमंत्री जी से सवाल है, प्रधानमंत्री जी आप हमारे मन की पहली बात ये सुन लो कि आज इस देश में इंसान सीवर में उतरता है वो कब बंद होगा? एक साधारण सी मांग है कि सीवर में इंसान का उतरना बंद करो, सीवर की सफाई मशीनों से करवाओ, और अगर कहीं मजबूरी में किसी को उतरना पड़े तो जैसे फायर ब्रिगेड का कर्मचारी उतरता है,
पूरा मुंह के ऊपर टोपा लगा के ड्रेस पहन के साथ में पांच लोग खड़े होते हैं, इंजीनियर होता है, बीमा उसका पहले करवाया जाता है। जो सुविधा फायर ब्रिगेड के कर्मचारी को मिलती है वही सुविधा दे के, तनखा दे के अगर उसे उतरना पड़े तो उतरे। और अगर कभी भी किसी के साथ दुर्घटना होती है तो वो कंपनी, वो सरकार, वो नगर निगम उसके लिए जिम्मेवार माना जाए, उसको उसकी सजा मिलनी चाहिए। सहमत है तो जरा हाथ उठाए। पहली बात, पहली बात। दूसरी बात, दूसरी बात क्या कि इस देश में मैला उठाने की प्रथा आज भी जारी है। पंजाब वगैरह में थोड़ी कम हो गई है, उत्तर प्रदेश में आज भी जारी है, मध्य प्रदेश में जारी है। बार बार सुप्रीम कोर्ट में मामला आ गया, एक बार नहीं दो बार कानून बन गए। 1993 में पहला कानून बना, 2013 में दूसरा कानून बना। कानून के हिसाब से जो भी व्यक्ति मैला उठाता है, हमारी बहनों को करना पड़ता है काम, ये जो ड्राई लैटरिन वाला है अपने सर के ऊपर टोकरी उठाने वाला काम, जो भी करता है उसको सरकार की तरफ से आइडेंटिफाई करके 40,000 रुपया एक मुश्त एक बार में मिलना चाहिए। कानून में लिखा हुआ है, कानून बन गया, फिर कहा कि चलो जी अब इसको लागू करवा लो। 60,000 लोगों ने लिख के दे दिया कि जी हाँ हम मेला का काम करते हैं, छोड़ना चाहते हैं, हमारे को पैसा दिया जाए। आज तक उस 60,000 में से सिर्फ 10-12,000 केस निपटाए हैं, बाकी सब फाइलें घूम रही हैं। क्यों? क्योंकि इरादा नहीं, नियत नहीं है। जब वो मेला काम छोड़ने वाला बैंक में जाता है और कहता है कि मैं इस काम को छोड़ना चाहता हूँ, नया काम धंधा शुरू करना चाहता हूँ, मेरे को लोन दे दो, तो बैंक कहता है क्लास वन गजेटेड ऑफिसर का आप साथ में प्रमाण पत्र लेके आओ, उसकी गारंटी लेके आओ, वो गारंटी लेके आप लोन वापस कर दो। अरे प्रधानमंत्री जी, जिनके आप पांव कल धो रहे थे उनको लोन की गारंटी नहीं दे सकते आप? अगर आपकी नीयत साफ होती तो आप उनको लोन की गारंटी दिलवाते। कहते कि मैं नरेंद्र मोदी गारंटी लेता हूं कि इनका लोन वापस होगा, इनको किसी और की गारंटी देने की जरूरत नहीं है। अगर नियत साफ होती तो करते आप ये काम। तो दूसरी बात कि इस देश में जो भी इंसान मैला सर पे उठाने के लिए अभिशप्त है, जिसको ये सजा मिली है, देश उससे माफी मांगे और देश कहे कि आपको इससे बाहर आने के लिए हम एक रास्ता देते हैं, एक अनुदान देते हैं, उसके लिए वैकल्पिक रोजगार की व्यवस्था करनी चाहिए। तीसरी सवाल, तीसरा सवाल है सफाई कर्मचारियों की अवस्था का। अभी मैं बैठा था फरीदाबाद के कुछ साथियों के साथ बैठा हुआ था, बता रहे थे फरीदाबाद के नगर निगम ने सफाई का ठेका एक कंपनी को दे दिया है। चीन की कंपनी है, यहां की नहीं, चीन की कंपनी को ठेका दे रखा है। वैसे चीन के खिलाफ सब कुछ, ठेका देने के लिए चीन की कंपनी। कंपनी, मैंने पूछा कि कंपनी नगर निगम से कितना पैसा लेती है, बोला भाई साहब हमें क्या पता कितना लेती है, कंपनी जाने वो जाने, हमें तो कुछ नहीं पता। मैंने कहा आपको कितना देती है, सब कट कटा के 7200 रुपया देती है। 7200 रुपया, 7200 रुपया महीना भर इस फरीदाबाद में सफाई करने का देती है। मैंने कहा भाई आरटीआई लगा के पूछ लो कि वो सरकार से कितना लेते हैं, लगाएंगे वो आरटीआई, लेकिन मैं आपको बता दूं आरटीआई में निकलेगा कि सरकार से वो लेते हैं 12,000 13,000 14,000 पर कर्मचारी, और जो काम कर रहा है उसको देते हैं 7200 रुपये। ये काम, और ये क्यों? क्योंकि फिर नियत खराब है। ये सरकारें, नगर निगम अब कर्मचारी को नियुक्त नहीं करना चाहते। कर्मचारी को नियुक्त किया तो तनख्वाह देनी पड़ेगी, पीएफ देना पड़ेगा, छुट्टी देनी पड़ेगी, पेंशन देनी पड़ेगी, कौन इस झंझट में पड़े? इन सबको अपने लिए चाहिए,
ये आईएएस अफसर कहते हैं सर बड़ा मुश्किल हो जाएगा ऐसे काम करना, तो हर एक को हम तनख्वाह देंगे, हर एक को पेंशन देंगे। मैंने कहा भाई ऐसा करो आईएएस अफसर की नौकरी भी हम कच्ची कर देते हैं कि जब मन आया आईएएस अफसर उठा लेंगे, जब मन आया उसको हटा देंगे। नहीं नहीं ऐसे कैसे कर सकते हैं सर, वर्किंग कंडीशन भी तो कोई होती है। मैंने कहा भाई आपकी वर्किंग कंडीशन होती है तो उसकी भी वर्किंग कंडीशन होती है। तो तीसरी बात, सफाई कर्मचारी को नियमित नौकरी मिले। जैसे फौज का कर्मचारी कच्ची नौकरी पे नहीं होता ना कि भाई चल कारगिल में युद्ध है चल चल तू चल तेरे को कच्ची नौकरी पे लगाया फौज में, नहीं कहते ना। फौज में पक्की नौकरी देते हैं, सीआरपीएफ में पक्की नौकरी देते हैं, फायर ब्रिगेड में पक्की नौकरी देते हैं, तो सफाई कर्मचारी को पक्की नौकरी क्यों ना मिले। सफाई कर्मचारी की कच्ची नौकरी नहीं होनी चाहिए, कॉन्ट्रैक्ट सिस्टम नहीं होना चाहिए। कॉन्ट्रैक्ट शोषण है, कॉन्ट्रैक्ट कोई सिस्टम नहीं है। कॉन्ट्रैक्ट का मतलब शोषण है, तो सिर्फ लूट है, उन लोगों को आप अत्याचार कर रहे हैं। इसलिए कॉन्ट्रैक्ट सिस्टम नहीं हो, नियमित नौकरी हो, और जो सरकार के हिसाब से सरकार की तनख्वाह बनती है वो मिले, कम से कम पूरी तनख्वाह तो मिले। एक और भाई साहब बता रहे थे हरियाणा में कि शहर में उसी कर्मचारी को 16,900 रुपए मिलते हैं और गांव में सफाई करने वाले को 10,000 मिलते हैं। और बोले कि भाई तुम्हें क्या जरूरत है और ज्यादा करने की। उन्होंने कहा भाई साहब हमें भी अपने बच्चों को पढ़ाना है। वो कहते तुम्हें क्यों पढ़ाना है अपने बच्चे को। तो हमारे भाई ने पूछा आप हाथ उठाना, आपने जो कहा था जी, वो भाई जिन्होंने मेरे को कहानी बताई है इनसे पूछा था। इन्होंने कहा तो आप चाहते हैं कि हमारा बच्चा भी मजदूर रहे। उन्होंने कहा और नहीं, तुम नहीं मजदूरी करोगे तो कौन मजदूरी करेगा। ये मैं बोलता हूं ये मैल है इस समाज के मन में। ये जो अपने आप को सभ्य समाज बताता है, इस समाज के मन के अंदर मैल है, इसकी नीयत खोटी है। वो चाहता है कि सफाई कर्मचारी का बच्चा भी हाथ में झाड़ू पकड़े, वो हाथ में पेन ना पकड़े, हाथ में स्टेथोस्कोप ना पकड़े, हाथ में लैपटॉप ना ले, हाथ में कैमरा ना ले, वो भी हाथ में झाड़ू पकड़े। ये समझाने का तरीका है। तो तीसरी बात कि समाज में कि सरकार की तरफ से सफाई कर्मचारी को वही दर्जा मिले, वही पक्की नौकरी मिले जैसे आप फौज वालों को देते हैं, जैसे पुलिस को देते हैं, जैसे फायर ब्रिगेड को देते हैं। सही बात है। तीसरी बात, चौथी और आखिरी बात आरक्षण की। आरक्षण के पक्ष में मैं हमेशा बोलता रहा हूं। हमारे साथी जानते हैं दसियों साल से जब आरक्षण के पक्ष में कोई नहीं बोलता था तब भी मैं बोलता था। पिछले कई साल से मैं एक बात और बोल रहा हूं, वो ये कि आरक्षण का फायदा सबको बराबर नहीं मिल रहा। ना ओबीसी में ऐसा हो रहा है, ना एससी में हो रहा है, ना एसटी में हो रहा है। ओबीसी के अंदर ओबीसी के आरक्षण का सारा फायदा कुछ वो जातियां ले जाती हैं जिनके पास जमीन है, गांव में जमीन है, ओबीसी का सारा आरक्षण उनके हाथ में चला जाता है, दूसरों को नहीं मिलता। शेड्यूल ट्राइब का जो आरक्षण है वो भी दो तीन जातियों के हाथ में, ट्राइब्स के हाथ में ज्यादा आ गया। पूर्वोत्तर के साथी जो थोड़ा ज्यादा अंग्रेजी जानते हैं उनको ज्यादा मिल जाता है। इसी तरह से जो अनुसूचित जाति का आरक्षण है वो चंद जातियों के हाथ में ज्यादा आ गया है, और जो महादलित हैं, ज्यादातर जो सफाई के पेशे से जुड़ी हुई जातियां हैं, उनको आरक्षण में जो फायदा मिलना चाहिए था वो फायदा नहीं मिल पाया। ये सच्चाई है। मैंने देश भर में घूम घूम के देखा है, अपने यहाँ वाल्मीकि समाज है, बिहार में मुसार समाज है, अलग अलग नाम से अलग अलग समाज है, लेकिन जो कोई भी सफाई के पेशे से या ऐसे किसी पेशे से जुड़ा था उसको आरक्षण का फायदा लगभग नहीं मिला। गिन गिन के देख लो, आज भी अपने मंच के ऊपर कुछ अफसर बैठाए हैं, गिन गिन के अफसर हैं, गिनती के हैं। अगर जाटव समाज के होते तो पूरा मंच भर जाता, सामने भी आपको 100 लोग बड़े बड़े अफसर बैठे हुए दिख जाते। जाटव समाज को आरक्षण मिलना चाहिए, मैं इसके हक में हूं, इसके बारे में हमेशा बोला, आगे भी बोलूंगा।
लेकिन मैं सिर्फ ये कह रहा हूं कि आज हम ऐसी स्थिति में पहुंच गए हैं जब आरक्षण के अंदर भी जो सफाई कर्मचारी समाज है उसके लिए अपना विशेष कोटा उसके अंदर, बाहर अलग से एक्स्ट्रा कोटे की बात मैं नहीं कर रहा। अगर 15% कोटा आपने अनुसूचित जाति के लिए रखा है तो उसमें से आधा आप ऐसे समाज के लिए रख दीजिए जिनको पिछले 70 साल में आरक्षण का कोई फायदा नहीं मिला। ये सामाजिक न्याय को आगे लेके जाएगा, सामाजिक न्याय को कमजोर नहीं करेगा, सामाजिक न्याय को मजबूत करेगा। मैं जानता हूं इस समाज के सवाल के ऊपर अलग अलग राय है और मैं पिछले कई सालों से अपने साथियों से बात करके इस पे एक राय बनाने की कोशिश कर रहा हूं। हम सब लोग जो डॉक्टर अंबेडकर को सामाजिक न्याय का पुरोधा मानते हैं, उन सब को जो डॉक्टर अंबेडकर के सामाजिक न्याय की जो भावना थी उस भावना का सम्मान करते हुए आज एक ऐसी व्यवस्था बनानी चाहिए कि आप उसमें चाहे तो सब कोटा बना दीजिए, कोई और व्यवस्था कर दीजिए, लेकिन सफाई कर्मचारी वर्ग के लिए आरक्षण के अंदर आरक्षण की कोई व्यवस्था जरूर होनी चाहिए। तो इसके सहमत है? तो ये चार बात मैंने आपके सामने रखी। अगर प्रधानमंत्री अपने मन की बात सुनाने की बजाय आपके मन की बात सुनते तो वो ये चारों बातें सुनते और इस पे कोई जवाब मिलता। लेकिन अब 5 साल पूरे हो गए, इनकी चला चली की अब बेला आ गई है, टाटा बाय बाय करने का टाइम आ गया है इनको। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि दूसरों पे भरोसा कर लिया जाए, दूसरों ने भी कुछ नहीं किया था। ये सीवर का मामला पहले भी ऐसा ही होता था, सफाई कर्मचारी के साथ धोखा दूसरी पार्टी हमें करती थी। इसलिए मेरा कहना है कि इस देश की जितनी भी पार्टियां हैं उन सबसे कहें कि आप ये चार बात अपने मैनिफेस्टो में लिख लो और हमारा वोट ले लो। क्या 1 साल के अंदर अंदर इस देश में सीवर में कोई इंसान नहीं जाएगा? 1 साल मैक्सिमम टाइम है, इससे फालतू नहीं। 2 साल के अंदर अंदर इस देश में टोकरी कोई सर के ऊपर नहीं उठाएगा, मेला का सिस्टम खत्म होगा। 5 साल के अंदर अंदर हर सफाई कर्मचारी को पक्की नौकरी मिलेगी, कच्ची नौकरी कॉन्ट्रैक्ट का सिस्टम खत्म होगा और देश में इस पे राजनीतिक सहमति बनाई जाएगी कि हम आरक्षण के अंदर सफाई पेशे से जुड़े हुए जातियों और अन्य जातियां जिनको कोई हिस्सा नहीं मिला उनके लिए विशेष कोटा की व्यवस्था उसके अंदर करेंगे। इन चारों सवालों पे हम सहमति बनाएंगे। एक आखिरी बात, मैंने कहा था रावण जी ने मेरी आंख खोल दी, मेरे को दिल घुमा घुमा दी आंख इस बात पे खोल दी कि जाति व्यवस्था है। लेकिन एक और बात के बारे में भी आंख खोली, वो ये कि अब ये समाज जाग गया है, अब ये समाज सो नहीं है। ये कौम अब दिल देश में जाग चुकी है, उन्होंने इस बात पे आंख खोली कि हमारी बच्चियां भी अब पढ़ने लगी हैं। ये बच्ची बीए कर रही थी, मैंने बच्चियों से पूछा हमारे बेटे पढ़ने लगे हैं, बेटों से ज्यादा बेटियां पढ़ने लगी आज हमारे समाज की, इसके बारे में आपने मेरी आंख खोली। और आज इस मंच से मैं मोदी जी को एक बात कहना चाहता हूं, मोदी जी आज से 50-60 साल पहले अगर किसी नेता ने ये पांव धोने का काम किया होता आज से 70 साल पहले इस देश के राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद ने एक बहुत बुरा काम किया था, उन्होंने जाके बनारस में ब्राह्मणों के पांव धोए थे और उसको पिया था, राजेंद्र प्रसाद जी का काम था। उस जमाने में राम मनोहर लोहिया ने कहा था कि ब्राह्मणों के पांव धो के इस देश के राष्ट्रपति ने पूरे देश का अपमान किया है, उसको माफी मांगनी चाहिए पूरे देश से। अगर आज से 70 साल पहले कोई राष्ट्रपति कोई प्रधानमंत्री
सफाई कर्मचारियों के पांव धो लेता तो उसको अच्छी बात माना जाता, उससे कुछ मैसेज जाता, उससे कोई बात समझ आती, उससे कुछ कटे पे जले पे मलहम भी लगती। लेकिन आज सीवर समर कर्मचारी की समस्या को सुलझाए बिना, मैला की समस्या को खत्म किए बिना, सफाई कर्मचारी को रेगुलर किए बिना आपको लगता है कि खाली पांव धोने से काम चल जाएगा, तो मोदी जी वो जमाने नहीं रहे। अब जनता जाग गई है, लोग खड़े हो गए हैं, अब उससे काम नहीं चलेगा। अब वो आपके पांव धोने का इंतजार नहीं कर रहे, जैसा मैंने कहा वो आपको धोएंगे। और मेरे मन में एक सपना है जो हो सकता है इनमें से कोई बच्ची साबित करेगी, ये बच्ची जो बैठी है, मेरे मन में सपना है एक दिन लाल किले पे सफाई पेशे कर्मचारी समाज से आने वाली एक लड़की लाल किले पे खुद खड़ी हो और वो इस देश के बारे में बोलेगी। और जब वो इस देश में सत्ता पे आएगी तो अपने लोगों का भला नहीं करेगी, वो पूरे समाज का भला करेगी, सबको बराबर बांटेगी। मोदी जी वो दिन खत्म हो गए जब आप बांटते थे और हम नीचे बैठ के आपसे खाने के उम्मीद करते थे। आज ये कड़छी डमरू डोलू हमारे हाथ में दे दो, हम बांटेंगे और आपको भी बराबर का हिस्सा दे देंगे, चिंता ना करो। बहुत बहुत धन्यवाद।